सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले रिव्यू ये एमक्यू ब्रांड का डीबी लॉन्चर। सो गाइस, इसका रिव्यू करने के बहुत सारे लोगों ने कहा था कमेंट में कि कर दो। सो कर देता हूँ। क्या जा रहा है इसका, पहले मैंने रिव्यू एक बनाया है बहुत पहले, एंड फिर से बना रहा हूँ इसका रिव्यू एमक्यू ब्रांड का डीबी लॉन्चर का। सो गाइस, अगर आप चैनल में नए हो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, एंड कर दो वीडियो को लाइक, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड फेवरेट कमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ा दो। सो बिना किसी तरीके लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो गाइस, जैसा कि होता है एमक्यू ब्रांड का, मेरा जो पहले वाला था वैसा ही है, सेम है सब कुछ। देख सकते हो इधर सब कुछ सेम है, बस कलर का थोड़ा डिफरेंस है। ये होल्डर है इसका, एंड ये कुछ गियर्स है इसका, देख सकते हो। सब कुछ सेम ही है, बस कलर अलग है। मेरा वो वाला टूट गया, करीब 2 या 3 महीने चला, उसके बाद टूट गया। एंड देख सकते हो इसका जो स्प्रिंग है, देख सकते हो इतना लंबा है, और भी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो स्ट्रिंग तो अच्छा खासा लंबा है इसका, एंड बस यही है जो भी है। अभी बेबलेट्स लॉन्च करके दिखाता हूँ आपको। एंड लेफ्ट राइट आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ हो सकता है। इधर देख सकते हो, इधर लिखा है R, यानी कि ये राइट स्पिन होगा। इस तरीके से आपको पहले लगाना पड़ेगा इसका गियर, फिर ये जो है ये वाला पार्ट, होल्डर वाला पार्ट, बस इसको यहाँ पर क्लिप कर दो। तो ये हो गया राइट स्पिन, एंड लेफ्ट स्पिन करने के लिए बस इसको खोल दो, फिर ये निकाल लो। उसके बाद इधर देख सकते हो लिखा हुआ L, यानी कि लेफ्ट। एंड मेरा गला थोड़ा ख़राब है गाइस, एंड बस ये लगा दो तो ये हो जाता है लेफ्ट स्विंग। बस ऐसा कुछ मैकेनिज्म है, आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैंने बता दिया। अभी कुछ बेबलेट्स लॉन्च करके देखते हैं इसके साथ, एंड कैसा परफॉर्मेंस रहता है लॉन्चर का देखते हैं। पहले फर्स्ट जिन के कुछ बेबलेट्स हम लॉन्च करेंगे, एंड पहले मैं इसे राइट स्पिन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पहले राइट स्पिन से स्टार्ट करते, उसके बाद लेफ्ट स्पिन भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले फर्स्ट जिन का जीनो एक्सकैलिबर राइट स्पिन, 3-2-1, दैट इज इट। तो देख सकते हो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। 3-1, लेट इट रिप। एंड ये बाहर आ चुका है ज़ीनो एक्सकैलिबर। अब मैं क्या ही बताऊँ, डीबी लॉन्चर से ये बेबलेट्स हल्के हैं थोड़े, इस वजह से उतने अच्छे से लॉन्च नहीं होते, हल्के बेबलेट्स होने के लिए वजह से। अभी एक बार मैं एक लेफ्ट स्विंग बेबलेट दिखा देता हूँ आपको इस सीरीज का ही। तो ये है लॉस्ट लॉन्गिनस, 3-1, लेट इट रिप। तो देख सकते हो ये लेफ्ट स्विंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। 3-2-1, लेट इट रिप। ठीक है, काफी बढ़िया, लेफ्ट स्विंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी गाइस, एवोल्यूशन सीरीज का बेबलेड, अभी गॉड वैलगरी को मैं राइट स्पिन में लॉन्च करके दिखाता हूँ आपको। 3-2-1, लेट इट रिप। तो देख सकते हो गॉड वैलगरी अभी कमाल का लॉन्च हो रहा है। पहले मेरे पास लॉन्चर नहीं था, इस वजह से ठीक से लॉन्च नहीं हो रहा था। अभी लॉन्चर आ गया है। देख सकते हो अच्छा लॉन्च है। अभी एक लेफ्ट स्पिन वेवलेट लॉन्च करके दिखा देता हूँ एवोल्यूशन सीरीज का एक बार, और इसे लॉन्च कर लेते हैं एक बार। 3-2-1, लेट इट रिप। तो ठीक है, अभी एवोल्यूशन सीरीज का लेफ्ट स्पिन वेवलेट लॉन्च करके दिखाता हूँ मैं आपको। स्प्रिंग एंड रैक रैम अभी लेफ्ट स्पिन में, तो इसको लॉन्च करके दिखाता हूँ मैं। 3-2-1, लेट इट रिप। तो देख सकते हो स्प्रिंग एंड रेक्रम लेफ्ट स्पिन एवोल्यूशन सीरीज का ठीक ठाक लॉन्च है। 3-2-1, लेट इट रिप। एंड अच्छा लॉन्च है, ठीक ठाक ही क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छा लॉन्च है, बुरा लॉन्च नहीं है। अभी कुछ इसके बाद कौन सा सीरीज आता है यार, मैं भूल जा रहा हूँ। अभी है क्या बोलते हैं, टर्बो, टर्बो, हाँ गाइस टर्बो। तो टर्बो के कुछ बेस दिखाते, टर्बो सीरीज से पहले एक लेफ्ट स्पिन बेबलेट गाइस, फैफनिया। 3-2-1, लेट इट रिप। एंड काफी शांत वेवलेट है, देख सकते हो, एक बार और लॉन्च करके दिखा देता हूँ। एंड अबे भाई, 3-2-1, लेट इट रिप। तो देख सकते हो काफी पावर पैक्ड लॉन्च है। एंड अभी इसको लॉन्च कर देता हूँ जी अकेले, इसको ये राइट स्पिन है, फटाक से हम इसको राइट स्पिन कर लेते हैं लॉन्चर को। एंड उसके बाद इसको भी लॉन्च करके दिखा देता हूँ राइट स्पिन वेवलेट को। अबे यार लग जा, चलो लग गया अभी राइट स्पिन जी अकिलिस। 3-2-1, लेट इट रिप। एंड गाइस फैफनियर देख सकते हो गाइस, स्पिन स्टील थोड़ा बहुत कर रहा है जी अकिलिस से, तो काफी अच्छा स्पिन स्टीलिंग चल रहा है।
एंड गाइस काफी मजा आ रहा है एंड जीत गया अपना लगता है गाइस फेवनर स्पिन स्टील करते करते। तो देख सकते हो ये एवोल्यूशन नहीं यार क्या भूल गया टर्बो सीरीज का, हाँ टर्बो सीरीज का वेवलेट काफी अच्छा लॉन्च हो रहा है इससे। सो अभी है राइस सीरीज का बारी जीटी का। सो अभी जीटी वेवलेट्स कुछ लॉन्च करके मैं आपको दिखाता हूँ एंड कैमरा का फोकस किधर गया यार। तो सबसे पहले स्लैश वेलकरी 3-2-1 एंड काफी बढ़िया लॉन्च एंड अभी जल्दी से इसको लेफ्ट स्पिन करते हैं एंड उसके बाद एक लेफ्ट स्पिन वेवलेट मैं आपको दिखा देता हूँ लॉन्च करके एकदम फटाक से। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता मैं, बेकार मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। ये लेफ्ट स्पिन है नेकेट स्पिन एंड देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लॉन्च है नेकेट स्पिन का एंड काफ़ी बढ़िया स्पिन स्टीलिंग भी हो रहा है यार हमारा, क्या बोलते स्लैश वेलकरी स्पिन स्टील कर रहा है एंड काफी बढ़िया स्पिन स्टीलिंग चल रहा है इसी के साथ। चलो जीत गया निकट स्पिन कोई नहीं। सो देख सकते हो राय सीरीज काफी अच्छे से हैंडल कर लिया, मैं चोजी तो दिखाना आपको भूल ही गया, चोजी चलो टर्बो का ही हिस्सा है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते। अभी सीधा आते हैं हमारे स्पार्किंग की तरफ। सो सबसे पहले ये है ब्लेज, नहीं यार क्या था ये भूल गया रुको यार, अभी एक ग्लाइड रैग्नारोक नाम याद आ गया 3-2-1 लेट इट बी। सो स्टेमिना टाइप बेस स्टेमिना टाइप परफॉर्मेंस काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देख सकते हो एंड आज मेरे मोबाइल का कैमरा को क्या हो गया गाइस मुझे पता नहीं, फोकस नहीं ले रहा ठीक से। सो कोई बात नहीं देख सकते हो अच्छा खासा लॉन्च है। सो काफी बढ़िया लॉन्च है एंड अभी एक बार एक और मैं बेवलेट स्पार्किंग का या अखिलीस को लॉन्च करके दिखा देता हूँ 3-2-1 एंड अटैक यार स्टेडियम तोड़ देगा क्या, अभी गाली निकल जाता मुंह से यार सॉरी गाइस बच्चों का चैनल है गाली नहीं देते। एंड अभी फिर से 3-2-1 लेट इट रिप एंड ठीक है अच्छा है बहुत कर लिया यार आपने। अभी एक लेफ्ट स्पिन वेल आते हैं सो हमारा खतरनाक रेज लॉन्गिनस आ चुका है 3-2-1 लेट इट रिप। ओ भाई यार 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 शांत हो जा भाई, हमारा ड्रैगन अभी फुल मूड में है किसी को भी पछाड़ सकता है, फुल मूड में है 3-2-1 लेट इट रिप एंड एक बार गाइस फेफनियर को, अबे यार गाइस फेफनियर को हैंड स्पिन करेंगे राइट में। सो स्पिन स्टील हो सकता है थोड़ा बहुत देखते हैं, हो रहा है गाइस स्पिन स्टीलिंग हो रहा है काफी अच्छा स्पिन स्टील कर रहा है गाइस फेफनियर रेज लॉन्गिनस से एंड देख सकते हो ड्रॉ हो गया। सो गाइस अभी डीबी का बारी है, अभी डीबी के कुछ बेस ये हमारे पास है, दो बेज है एंड एक लेफ्ट स्पिन लाता हूँ मैं रुको। तो ये है हमारे एस्ट्रल भाई साहब, इसको पहले लॉन्च करते हैं लेफ्ट स्पिन में, लेफ्ट स्पिन में 3-2-1 लेट इट बी। नहीं भाई नहीं नहीं इतना एग्रेसिव नहीं होने का था, चलो ठीक है आपने देख लिया अच्छा एग्रेसिव लॉन्च था। सो अभी राइट स्पिन वाले को कुछ लॉन्च करते हैं तो अपना अल्टीमेट कॉम्बो अल्टीमेट वेलकरी का 3-2-1 लेट इट बी। एंड गाइस क्या बताऊँ इसके जो अटैक्स है ना काफी खतरनाक लगते हैं, एकदम बर्स्ट करता है बेबलेट को, ये वाला कॉम्बो मेरा फेवरेट कॉम्बो है काफी बढ़िया। इसका वीडियो नहीं देखा तो चैनल में जाके देख सकते हो यार काफी खतरनाक कॉम्बो है ये वाला। तो अभी एक और बेबलेट बेलियल को लॉन्च करते है 3-2-1 लेट इट बी। लो भाई लो अब ये भाई साहब भी पागल हो गया लगता है 3-2-1 लेट इट बी, इतना पागल नहीं होने का भाई, इतना दम नहीं दिखाने का, औकात में आ जाते हो कभी कभी यार तुम लोग भी। तो देख लिया यार तुम लोग ने काफी अच्छा लॉन्च है, बस और क्या ही बोलूं मैं वीडियो में, बस इतना ही था वीडियो में, लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया एंड काफी खिंचा हुआ वीडियो था, ज्यादा कुछ था नहीं वीडियो में, बस ऐसे ही मजाक मस्ती में बना दिया यार, तुम लोग भी कमेंट कर रहे थे तो बना दिया। सो गाइस सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना वीडियो को, अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों के साथ एंड बेवलेट कम्युनिटी को सपोर्ट करना एंड मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी ब्लेडिंग।